नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। हमारे शरीर पर एक छोटा सा काला निशान जिसे तिल कहते हैं। खामोश रहकर भी ये निशान बहुत कुछ कहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर पर तिल होना भी भविष्य में होने वाली घटनाओं और सफलता या असफलता को दर्शाता है। हमारे शरीर पर कई प्रकार के जन्मजात अथवा जीवन काल के दौरान निकले निशान पाए जाते हैं, जिन्हें हम तिल या मस्सा के नाम से सुनते आए हैं। तिल हमारे सभी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक और चरित्र के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। आपके शरीर पर भी आपने इन निशानों को जरूर देखा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी हमारे शरीर पर तिल का होना क्या संकेत देता है। ललाट के दाहिने यानी सीधे हाथ की तरफ का तिल किसी विषय विशेष में निपुणता बतलाता है, और बाईं यानी उल्टी तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक होता है। बाहों पर तिल, यदि दोनों बाहों पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता रहता है। दाहिनी यानी सीधी आईब्रो पर तिल सुख में, और बाईं यानी उल्टी तरफ तिल दुख में दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। आँख पर तिल, दाईं आंख पर तिल स्त्री से मेल होने और बाईं आंख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। आंख की पुतली पर तिल, दाईं यानी सीधी आंख पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं। बाईं यानी उल्टी तरफ पुतली पर तिल वालों के विचार ठीक नहीं होते। पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः भावुक होते हैं। पलकों पर तिल, आंख की पलकों पर तिल हो तो जातक संवेदनशील होता है। दाईं पलक पर तिल वाले बाईं वालों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। कान पर तिल, कान पर तिल व्यक्ति के लंबी आयु होने का संकेत देता है। नाक पर तिल, नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक है। होंठ पर तिल, होंठ पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय होते हैं। यदि तिल होंठ के नीचे हो तो गरीबी छाई रहती है। मुंह पर तिल, मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए सुखी, संपन्न और सज्जन होने का सूचक होते हैं। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है। उसका जीवन साथी सज्जन होता है। गाल पर तिल, गाल पर तिल शुभ फल देता है। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण तिल व्यक्ति को निर्धन किंतु दाएं गाल पर धनी बनाता है। जबड़े पर तिल, जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। ठोड़ी पर तिल, जिस स्त्री की ठोड़ी पर तिल होता है उसमें मिलनसारिता की कमी होती है। कंधों पर तिल, दाएं कंधे पर तिल का होना निडरता का सूचक है, व बाएं कंधे पर तिल का होना डरपोकता का सूचक होता है। दाहिनी भुजा पर तिल, ऐसे तिल वाला जातक प्रतिष्ठित व बुद्धिमान होता है, लोग उसका आदर करते हैं। बाईं भुजा पर तिल, बाईं भुजा पर तिल हो तो व्यक्ति झगड़ालू होता है। उसका सब जगह निरादर होता है। उसकी बुद्धि विचलित ही रहती है। कोहनी पर तिल, कोहनी पर तिल का पाया जाना विद्वानता का सूचक होता है। हाथों पर तिल, जिसके हाथों पर तिल होते हैं वो चलाक होता है। गुरु क्षेत्र में तिल हो तो सरमार्गी होता है। दाईं हथेली पर तिल हो तो बलवान, और बाईं हथेली के पृष्ठ भाग में हो तो धनवान होता है। बाईं हथेली पर तिल हो तो जातक खर्चीला तथा दाईं हथेली के पृष्ठ भाग पर तिल हो तो कंजूस होता है। अंगूठे पर तिल, अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्य कुशल, व्यवहार कुशल तथा न्यायप्रिय होता है। तर्जनी पर तिल, जिसकी तर्जनी पर तिल हो वो विद्वान, गुणवान, धनवान किंतु शत्रुओं से पीड़ित होता है। मध्यमा पर तिल, मध्यमा पर तिल उत्तम फलदायी होता है। व्यक्ति सुखी होता है, उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। अनामिका पर तिल, जिसकी अनामिका पर तिल हो वह व्यक्ति ज्ञानी, यशस्वी, धनी और पराक्रमी होता है। कनिष्ठा पर तिल, कनिष्ठा पर तिल हो तो वह व्यक्ति संपत्तिवान होता है किंतु उसका जीवन दुख में होता है। गले पर तिल, गले पर तिल वाला जातक आराम तलब होता है। गले पर सामने की ओर तिल हो तो जातक के घर मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है। मित्र सच्चे होते हैं। गले के पृष्ठ भाग पर तिल होने पर जातक कर्मठ होता है। छाती पर तिल, छाती पर दाहिनी ओर तिल होना शुभ होता है। ऐसी स्त्री अनुरागी होती है, पुरुष भाग्यशाली होते हैं। छाती पर बाईं ओर तिल रहने से भार्य पक्ष की ओर से असहयोग की संभावना बनी रहती है। छाती के मध्य का तिल सुखी जीवन दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो वह सौभाग्यवती होती है। कमर पर तिल, यदि किसी व्यक्ति की कमर पर तिल होता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों से घिरी रहती है। पीठ पर तिल, पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी और रोमांटिक हो सकता है। वह घुमक्कड़ भी हो सकता है। ऐसे लोग खूब धन कमाते हैं और खर्च भी खुलकर
करते हैं। वायु तत्व के होने के कारण ये धन संचय नहीं कर पाते हैं। पेट पर तिल, पेट पर तिल हो तो व्यक्ति चटोरा होता है। ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन व मिष्ठान प्रेमी होता है। उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है। घुटनों पर तिल, दाहिने घुटने पर तिल होने से गृहस्थ जीवन सुख में और बाएं घुटने पर होने से दाम्पत्य जीवन दुख में होता है। पैरों पर तिल, पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है। दाएं पैर पर तिल हो तो उद्देश्यपूर्ण यात्राएं और बाएं पैर पर हो तो बेकार की यात्राएं होती हैं। दोस्तों, तिल केवल सुंदरता का प्रतीक ही नहीं होते, बल्कि ये व्यक्ति की भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत भी देते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल की स्थिति, उनके रंग और आकृति आदि के अध्ययन से जातक के भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। ये छोटे से तिल बहुत कुछ कहते हैं। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि आपका तिल कहाँ रहकर क्या कहता है।